अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग जहाँ पे भी होंगे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अब तो लॉकडाउन की आपको आदत होगी होगी, तो कल और परसों बल्कि हर वीडियो में ही एक दो मैसेज आते थे कि भाई आप मोहसन भाई, मोहसन अली द प्रेडिक्टर गुरु, उनको लेके आइए, उनको क्यों नहीं आप लेके आते वीडियोज़ में। तो एक्चुअली वो बिज़ी थे अपने काम में, हम अपने कहीं बिज़ी थे, लेकिन मैंने कल कॉल मिलाई उनको, मैंने कहा भाई साहब मैसेजेस आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं क्रिकेट कब वापस आएगी। तो उन्होंने कहा कि फिर फ़ोन पे क्या बताऊं, तू आ जा, आके वीडियो बनाते हैं तो फिर बता दूंगा वीडियो में। तो आप सबका स्वागत करते हैं मोहसन अली द प्रेडिक्टर गुरु। सलाम अलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को, कैसे मिजाज है आपके? बेहतरीन अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं तो फ्रेश लग रहा हूँ, रोज़ा रखा हुआ है आपने, रोज़ा लगता है कि ज़्यादा लग गया आपको? नहीं, एक्चुअली लॉकडाउन है, जिंदगी बंद है रिजवान साहब, तो मसला ये है कि नाइयों के भी जो है नखरे वो आसमानों पे हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैंने दो को फोन किया, मैंने कहा भाई आ जाए, मगर नहीं जी आज तो टाइम नहीं है, कल सोचते हैं। ओ, ठीक है भाई, इनके बड़े नखरे हो गए, बहुत ही बड़े, बहुत ज्यादा। तो अब वो कॉल करने पे भी वो भी इस तरह ही हो गए हैं, जैसे कोरोना वायरस के बाद स्पोर्ट्स गायब हो गई है ना, तो इस तरह वो भी गायब हो गए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये वायरस भी गायब होने लगा है और बहुत जल्द ना सिर्फ जिंदगी बल्कि तमाम स्पोर्ट्स जो है और स्पेशली जो क्रिकेट है जो सबको एक बाइंडिंग फोर्स है, स्पेशली अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें, बाकी कहीं पे फुटबॉल है, कहीं पे रग्बी है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे गोल्फ भी है, ऐसा ही है, लेकिन हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट जो है उसको लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मैं भाई साहब सवाल कर दूं जिस बंदे ने मुझे कल, मैंने आपको जो बात हुई आपसे, अनिल सैनी, वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब मोहसन अली साहब से बताए कोई सितारों का हाल चाल कर आके कोई पता करा रहे, अंदर से कोई खबर निकालें कि भाई क्रिकेट का वो की जिंदगी हमारी रुक गई। चले मैं आपको ये बता दूं सितारों का हाल जाने बगैर ही, हाँ, कि सबसे पहले जो क्रिकेट होगी ना वो आईपीएल से स्टार्ट होगी। अच्छा, होगी क्रिकेट, एशिया कप और वर्ल्ड कप में से एक इवेंट और चांस है जरूर हो, लेकिन जो वर्ल्ड टी20 है वो मोस्ट लाइकली यानी कि मैं 100% भी कह सकता हूँ। अच्छा, लेकिन चले मैं थोड़ा सा मार्जिन दे के कहता हूँ 90% जो है वो अगले साल होने के चांसेस हैं। अच्छा, वर्ल्ड कप होना ही नहीं है इस साल वर्ल्ड टी20 नहीं होना, क्योंकि आईपीएल, देखें आईपीएल एडजस्ट करने से दो फायदे होंगे सिवाय पाकिस्तानी प्लेयर्स के, आपको पता है दुनिया के तमाम बड़े प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल के साथ, इंडियन प्रीमियर लीग के साथ रिलेटेड है। फिर देखें वो आईसीसी को नहीं, इंडिया को नहीं, दुनिया क्रिकेट को कितने 100 मिलियन डॉलर्स को पंप करती है। यार मोहसन भाई जो मजा वर्ल्ड कप का है वो मैं तो नहीं समझता कि आईपीएल, अब बींग न्यूट्रल समझ लो या जो भी समझ लो, मैं तो चाहता हूँ कि भाई वर्ल्ड कप हो पहले। अच्छा, वर्ल्ड कप जो है आईसीसी का है, हाँ, उसके पास सारे पैसा वैसा वो कहाँ से आता है? वो तो एक अलहदा गेम है ना पैसे। अच्छा, वर्ल्ड टी20 या देखें मुल्क खेल रहे होंगे उसमें एक दो नाम होते हैं ना, किसी में तीन नाम होंगे, ठीक है, चले इंडिया इज ब्लेस्ड, पांच नाम होंगे, थोड़ा सा आगे आ जाइए, इंडिया में पांच नाम होंगे, वैसे तो आपकी आवाज वैसे ही गूंज जाती है, ऑस्ट्रेलिया में भी तीन चार नाम होंगे, पाकिस्तान की टीम में एक दो नाम होंगे। जब आप कोई लीग खेलते हैं चाहे वो PSL हो चाहे बिग बैश, देखें इसलिए डिफरेंट है कि वो 9 प्लेयर्स अपने खिलाते हैं, वो 2 प्लेयर अलाउड करते हैं, तो IPL हो या PSL हो या कैरेबियन लीग हो या बांग्लादेश की लीग हो या साउथ अफ्रीकन लीग हो, देखें इसमें बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं, एक जैसे चैंपियंस लीग होती है, जैसे फुटबॉल के बुंडेसलीगा है, प्रीमियर लीग है, सीरिया है, ये नाम ऐसे अजीब सा नहीं है इसका, बुंडेसलीगा जर्मन लीग है ना, देखें सबका अपना अपना नाम है, जैसे ये देखे ना स्पेनिश ला लीगा जो है, हाँ, सारे मेरा ख्याल है अच्छा मौसम भाई ये बताओ कि आप कह रहे हो आईपीएल से स्टार्ट होगा, तो वो तो जाके पहले ये भी कहा जा रहा था शायद कि एशिया कप का जो टाइम है जो विंडो है वो आईपीएल को दे दी जाए, तो फिर इसका मतलब है अभी भी 3-4-5 महीनों का मतलब वेट है, 4 सितंबर अक्टूबर में जाके, रादर हैविंग नथिंग देन हैविंग समथिंग इज बेटर ना। निकल गार्डियन में जो रिपोर्ट लगी हुई थी कि पाकिस्तान जो जाएगा इंग्लैंड या उससे पहले वेस्ट इंडीज जाएगा इंग्लैंड टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, तो वो कह रहे हैं जी ठीक है हम मतलब खाली ग्राउंड में करवाएंगे, 200-250 बंदा बैठा होगा, तो उम्मीद है कि शायद शुरू हो जाए, लेकिन इंग्लैंड का तो बहुत ही बुरा हाल है, वहां तो वो इटली को भी क्रॉस कर गया, 30,000 कर गया है, लेकिन दो तीन चीजें बहुत अच्छी हैं, यस हमारे इंडिया पाकिस्तान इसमें थोड़े से
ज्यादा आ रहे हैं केसेस, लेकिन रिकवरी रेट देखें और अल्हम्दुलिल्लाह डेथ रेशो देखें एज कम्पेयर, अमेरिका में 70,000 बंदा मर चुका है, यही हाल इंग्लैंड का है, यही हाल अर्जेंटीना का है, यही हाल फ्रांस का था। फ्रांस में भी काफी हद तक रिकवरी हुई है, ईरान में बहुत बड़ी रिकवरी हुई है आफ्टर चाइना, ईरान में बेपनाह रिकवरी हुई है, ईरान में दोबारा वो खोल दिया सारा और दोबारा वो आज फिर 1500-1600 केसेस आए हुए हैं। देखें बढ़ गया काम, ये वायरस जो है इसका मुकाबला अगर आप बंद कमरों देखें, किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी इकोनॉमी में क्या सकत है कि वो एक महीना कंप्लीट शटडाउन करके अपने लोगों को खाना खिला सके, किसी इकोनॉमी में है? दुनिया की तमाम देखें, स्पोर्ट्स होगी, लाइफ नॉर्मल में आएगी। ये वायरस जो है ये किस तरह स्ट्रांग होता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम होता है जब आप इस तरह के ग्राउंड्स में आते हैं, बंद कमरों के अंदर बैठ के आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं हो सकता। खैर ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राउंड में आए तो आईपीएल होगी, सिस्टम बेहतर हो गया। आईपीएल देखिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, मैं 50 साल का बूढ़ा हूँ, आप 30 साल के लड़के हैं, अगर आपको डर लगता है तो मुझे तो ज्यादा डर लगना चाहिए, लेकिन आई एम अ फाइटर। अच्छा, मैं सिर्फ उस जात से डरता हूँ, बाकी मैं नीचे किसी से नहीं डरता, और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होते हैं। और देखें इससे हमारी ओजोन की लेयर जो है कितना बड़ा शिगाव था पूर हो गया, माहौल कितना साफ हो गया, ये अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है कि एक सोशल डिस्टेंसिंग को आगे भी चलाएं, जरूरी नहीं है कि हमें फोर्स्ड ही हो। देखिए पहले क्वारंटाइन फोर्स नहीं होना चाहिए, पहले इस दरख्त पे 2-3 कव्वे आगे बैठते थे, अभी यहाँ 5-7 बैठे हुए हैं, तो नेचर जो है रिवाइव हो रही है, जैसे कव्वे पीसीबी में बैठे हुए हैं है? देखे ना ये, देखे आईपीएल से होगा रिजवान, ये मैंने आपको बता दिया, आईपीएल जरूर होगी, बाकी जो अपना हवा में प्रेडिक्शंस करते हैं वो करते रहे। दिनेश कार्तिक की वो कोई स्टेटमेंट आई थी कि मैं तो बड़ा बेचैन हूँ जरा आईपीएल हो जाए। दिनेश कार्तिक क्या वार्नर से लेके तो विलियमसन से लेके स्टोक से लेके बटलर हर बंदा बेचैन है। मैकुलम और इयान मॉर्गन के साथ मतलब बड़ी वो दोनों केकेआर में है तो अच्छा वो लगेगा सिलसिला। अच्छा यार ये बताओ मोहसिन भाई, वो जो ESPN क्रिक इन्फो ने शुरू किया हुआ है वो ग्रेटेस्ट T20 प्लेयर, उसमें अभी जाके क्रिस गेल ने, खैर मुझे तो लगता है जब क्रिस गेल का नाम आ जाए तो बस वहीं से ही फैसला हो जाना चाहिए, तो वो कुछ खिलाड़ी जो है अनएक्सपेक्टेडली आगे आए करते कराते, तो आप क्या समझते हो गेल इज द ग्रेटेस्ट T20 प्लेयर? देखिए इट डिपेंड्स कि कितने टाइम फ्रेम की बात हो रही है। देखिए गेल ग्रेटेस्ट एवर नहीं, देखिए गेल का जो टाइम है ना वो ही हैज लॉस्ट हिज पीक, ये तो मान लेना वो टाइम गुजर गया है। अब देखना तो ये चाहिए था कि या तो आप बैक पे से दे, क्योंकि देखिए T20 का भी टाइम ही बड़ा थोड़ा सा है, T20 टेस्ट की तरह नहीं 100-200 साल की हिस्ट्री रखता हो, ना वनडे की तरह है कि 45-50 साल की हिस्ट्री रखता हो, ये अभी तो कुछ साल का बच्चा है, नौजादा बच्चा है, इतने सालों में उतना इन सालों में देखे इन सालों में इसमें कोई शक नहीं गेल है, बिल्कुल है, इसमें आप रोहित शर्मा का नाम भी डालेंगे किसी सूरत में नहीं निकाल सकते, इसमें आप विराट कोहली का नाम भी डालेंगे इसी लिस्ट में, बेशक थोड़ा टाइम हुआ है, बाबर आजम को आप बाहर नहीं कर सकते, देखे ना ये आप बेन स्टोक्स को नहीं कर सकते, स्मिथ को नहीं कर सकते, वार्नर को नहीं कर सकते, एबी डिविलियर्स ने अब 2 साल पहले रिटायरमेंट दे दिया है, तो आप बाहर तो नहीं कर सकते ना। देखिए आंद्रे रसल है, मैकलम है, कुछ नाम ऐसे हैं, मैं एक बंदा इस वक्त अगर मुझे एक बंदा पिक करना होगा ना कि द ग्रेटेस्ट एवर कौन होगा, तो मैं एक नहीं पिक कर सकता, मैं एटलीस्ट 3 को इस कैटेगरी में ला सकता हूँ। एक तो देखे ना गेल को अगर मैं लाता हूँ आपकी बात मानते हुए कि जी गेल को ले आते हैं, तो गेल का आगे फ्यूचर क्या है, मैंने फ्यूचर भी तो अपना देखना है ना, फ्यूचर फारग हो गया जो T20 का फ्यूचर फारग हो गया नहीं बेशक गेल का जो पुरानी 8-10-12 साल जैसे आप कह रहे हो, जो आप जो कर रहे हैं उनका क्या गुनाह है, वो तो आगे जब होगा तो होगा, फ्यूचर किसने देखा नहीं। द ग्रेटेस्ट एवर में एक देखे, ग्रेटेस्ट एवर में आपने पास्ट भी देखना है, प्रेजेंट भी देखना है और फ्यूचर को भी देखना चाहिए। अच्छा मौसम, मेरा जाती ख्याल है कि इस कैटेगरी में बाबर आजम डेफिनेटली होना चाहिए, इसमें शर्मा होना चाहिए, इसमें स्मिथ को और स्टोक्स को, मतलब 4-5-6 जो अच्छे हैं उनको होना चाहिए, इस तरह इनको लेके आना चाहिए। अच्छा ये आजकल जो क्रिकेट तो हो नहीं रही, बाकी सब तमाशे हो रहे हैं हमारी क्रिकेट में, पुराने जो खिलाड़ी हैं
कोई एक दूसरे पे एलिगेशन फिक्सिंग खेल रहे हैं, वो उसने फिक्स किया नहीं, उसने किया वो, मैं मुझे ये स्टोरी पता, मैं नहीं बताऊंगा, उससे पूछो आप, मैं वरना सब कुछ बता दूंगा। पता है तो 25 साल तक उस पे अंडे देते रहे बैठ के। ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है मेरे भाई, नहीं लग गए लोगों को, नहीं नहीं ये चल रहा है, अनवांटेड अनड्यू जो है ना खबरों में रहने का तरीका नंबर वन, मुर्दार को जिंदा कर देने का तरीका, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह दे आर टू बी ब्लेम फॉर दिस, नॉट मानी और वसीम खान फ्रॉम द अर्ली पार्ट, पुराने से लेके देखे, जब वसीम अकरम वकार यूनस या इंजमामुल हक या ये अकरम रजा और ये सारों का सलीम मलिक, और जब इन सब का आया था ना नाम और जस्टिस के देखें होता गया, जब आप किसी चीज के ऊपर फैसला नहीं कर पाते, किसी को बच्चे का डाउट देके, किसी को बड़ा प्लेयर का डाउट देके, किसी को बुड्ढे का डाउट देके, तो फिर वो आपकी क्रिकेट को हॉन्ट करता है, आपकी जिंदगी को हॉन्ट करता है, आपकी आपकी स्पोर्ट्स को, आपके मुल्क को बदनाम कर देता है। रिजवान ये टाइम नहीं था, मैं ये कहता हूँ ये टाइम से मुराद है कभी भी, चाहे मोहम्मद आमिर होता चाहे सलमान भट्ट, देखें अभी क्या होता है, अभी यह जी आपने इसको छोड़ा था ना, आप मुझे भी छोड़ दें, शर्जील खान को भी छोड़ा है तो सलीम मलिक को भी छोड़ दें, उमर अकमल, देखें उमर अकमल का सिर्फ इतना कसूर है कि वो एरोगेंट है थोड़ा सा, उसने रिपोर्ट डिले किया, ये तो बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट डिले किया, वो ही क्यों विक्टिम हुआ कि मैच से पहले PSL शुरू होने से पहले उसको जनाब उसका ब्रेड एंड बटर बंद कर दिया। तीन अगर उसने कुछ गलती की है रिजवान, उसने गलती की है ना, लाइफ टाइम बैन करें। मैं रमीज राजा की स्टेटमेंट को 200% बैक करता हूं कि जनाब फिक्सर्स जो हैं वो रेडी लगा लें, बिजनेस कर लें, स्पोर्ट्स से इनको दूर रखें, बिल्कुल दूर रखें। चलो उमर अकमल की आपने बात की, हमारे टीवी शोज में भी आप बड़ी इसकी तारीफ करते थे कि भाई इस बंदे में है दमखम, इसको लेके आना चाहिए, लेकिन एवरेज वगैरह सारी उसकी कंट्रेरी है, मतलब इसको बैक निशाद आपके एवरेज, अगर एवरेज भी है तो शायद अफरीदी ने 400 मैच क्यों खेले हैं, बॉलिंग कराता था, फील्डिंग बड़ी अच्छी थी उसकी, विकेटें बड़ी फील्डिंग इसकी, कीपिंग बहुत अच्छी है, आपका सरफराज अहमद तो मुंह से बॉल पकड़ता था, और ये भी कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है भाई, इसको भी इतने चांसेस आए यार, अगर आपको बुग्जे उमर है तो उसका मैं कुछ यार, मुझे कोई कैसी बात कर रहे हैं, मुझे उमर अकमल के कोई बुक्स नहीं है भाई, बात ये अच्छा मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ, उमर अकमल को ना, अब देखे पहली बात तो ये है की आए Always stand firm के जो फिक्सर है वो मुल्क को माँ को बेचता है। अकबर पहले तो इसको क्लियर होने दे, अगर ये क्लियर होता है उसके बाद इस पे बात करेंगे। अगर एक बंदे ने मुल्क बेचा है ना तो उसको इस मुल्क में रहने की कोई इजाजत नहीं, क्यों? अच्छा अब आप पूछे चोरियां भी होती तो कह लिया उसको फांसी लगा दे, देखें देखें कत्ल भी होते हैं, सब कुछ होता है ना, कत्ल जो करता है वो किसी एक खानदान को, किसी एक इंडिविजुअल को और अपने खानदान को तबाही में डालता है। जो मुल्क बेचता है वो पूरे मुल्क को, पूरी जेंटलमैन स्पोर्ट्स को दागदार कर देता है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि जब आप मुल्क का सौदा करते हैं पूरी दुनिया में हर पाकिस्तानी जो है ना वो शक और शुबे की उसमें आ जाता है, हमारा आपका क्या कसूर है, उन लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने अपनी जानें दी। बिल्कुल बात सही आपकी। अच्छा ये बताइए अभी जो फिक्सिंग की बात चल रही है उसमें ये जो आमिर सुहेल साहब हैं, अब इन्होंने जो बात बड़ी एक अजीब सी मुजहका खेज बात मुझे तो लगी है कि अगर वसीम अकरम चाहते तो हम 96 का वर्ल्ड कप, 99 का वर्ल्ड कप, 2003 का वर्ल्ड कप, तीनों वर्ल्ड कप पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कैसे वसीम अकरम छियानवे बंदे पे पूरी टीम सही कह रहे हैं ना, वो छियानवे का क्वार्टर फाइनल जो है वसीम अकरम बाहर से जिता देता, बैट वसीम अकरम ने आमिर सुहेल का यूं पकड़ लिया था, उसने प्रसाद को बैट दिखाया था, अगली बॉल पे किक आउट जो है वो वसीम अकरम ने आमिर सुहेल को किया था। भाई बातें बना देखे, मैं आई डोंट लाइक वसीम अकरम बिकॉज ही इज अ ड्यूबियस करेक्टर, बट ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट फास्ट बॉलर्स द पाकिस्तान हैज एवर वर्ल्ड वर्ल्ड हैज एवर सीन, वन ऑफ द फाइनेस्ट, इसमें कोई शक नहीं, इमरान खान जैसे वन ऑफ द फाइनेस्ट, देखिए उस वक्त जो ऑलराउंडर्स थे मौसम भाई, अब देखो आपका मेरा एक या किसी का भी कोई एक तल्लु गुजरा होता है, मतलब 20 साल के बाद जाके अब मतलब वजीम होता तो ये किया तो वो ऐसा किया, ये लोगों को जेब देता है, नौकरी चाहिए ना, नौकरी चाहिए, अपना नाम, नौकरी चाहिए, नाम बदनाम कर रहे हैं, देखे नौकरी चाहिए। आज आप इनको किसी ना किसी जगह लगा दे 50,000 1,00,000 रुपए महीना 2,00,000 रुपए महीना,
दूध दही की नहरें बहेंगी। यही वसीम अकरम जो है ना वो दुनिया क्रिकेट का नहीं, आने वाली नस्लों का भी सबसे अजीम ऑलराउंडर हो जाएगा। उस जैसा ना पैदा हुआ था ना होगा, ये सारे बयानात चेंज हो जाएंगे। देखें आपने करना क्या, जस्ट टू स्टे लाइक, आपने क्या करना है? मैं आपको आज सलूशन देता हूँ क्रिकेट को। देखें आप अपने पड़ोस में देखें कौन है बीसीसीआई का प्रेसिडेंट, वो तो गंगुली साहब है। कौन है गंगुली? गंगुली बड़े अच्छे, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स, ठीक है, बेहतरीन कप्तान, बेहतरीन इंसान। चैपल को पसंद नहीं थे वैसे। अच्छा, चैपल को नहीं पसंद है तो वो चैपल का कसूर है ना, दुनिया क्रिकेट का कसूर तो नहीं है। हाँ। आप अच्छा अब इधर आ जाएं। हाँ। थोड़ा सा पाकिस्तान में आ जाएं। कौन है आपका चेयरमैन? मानी साहब, कोई जिसकी ऐसा ना मानी जरा मानता ही नहीं कोई गल। वो उसकी आजकल मान रहे हैं सारे, वो कौन मान रहा है नहीं मानता यार, की गल कर रहे हो? वो सिर्फ सीट नाल चिमड़े, असल मजे ले रहे हैं वसीम गुलजार खान, जिन्हें लेस्टर शायर नू हमेशा रॉक बॉटम ते रखिया और इत्थे हुण मजे कर रहे हैं। और ये मोहसिन भाई वो ही हैं जो बड़ी तारीफें करते थे, वसीम खान 8 महीने यंग, 8 महीने जो बाहर से आया था। आप ही मुझे फिर कहते हैं कि भाई जान, देखें बाहर से जो आते हैं ना उनके लिए झूठ जो है सबसे बड़ी गाली होती है। 8 महीने मैंने वसीम गुलजार खान साहब को जब मैं नेशन में था तो दबा के आर्टिकल्स लिखे, आपके शोज जिस शोज में गए, अपने चैनल्स में गए, हर जगह मैंने उनको सपोर्ट किया। मोहसिन अली के बेटे ने नहीं खेलना था, मोहसिन अली के भांजे भतीजे ने नहीं खेलना था, मेरे लिए हर बच्चा मेरा जाती बच्चा है। देखिए मैं पिंडी रीजन का जब चेयरमैन रहा हूँ 6 महीने, मैंने तो अपने भांजे भतीजे किसी को मुझ पे तो कभी कोई इल्जाम नहीं लगा। क्यों? यहाँ तो एक दिन के लिए कोई बैठता है सबसे पहले तो वो अपनी जेबें भरता है। हम तो जनाब हाजिर हैं, सबसे पहले हमसे शुरू करें। मैं आपको सलूशन देने लगा हूँ। सलूशन ये है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पैटर्न है, सबसे पहले तो ये जो देखे ना आईसीसी का जो एक है ना आप कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट करें खत्म, खुद लेट देम डिसाइड। देखे क्रिकेट बोर्ड जो है क्रिकेटर्स का है, मैं हमेशा कहता हूँ आज भी कह रहा हूँ, क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेटर्स के हवाले करें, जो नीट एंड क्लीन थे उनको आके फैसले करने दें। आपकी क्रिकेट देखें T20 में ICC के आप 27 महीने जो है ना नंबर वन पे थे, आज चौथे पे चले गए। वाहिद थी T20 जिसमें नहीं है, इंडिया भी नीचे आ गया टेस्ट में। यार इंडिया इसलिए आ गया कि ऑस्ट्रेलिया को मैचेस मिले, इंडिया का न्यूजीलैंड की सीरीज जरा थोड़ी सी टेस्ट में बुरी चली गई, काफी बुरी चली, वो इसलिए अपनी गलती है। भाई एक बंदा राहुल फॉर्म में है, आयर फॉर्म में है, आपने उनको भेज के अग्रवाल, और देखे मेरी बात सुने, ए इज ए डिफरेंट रिप्रेजेंटिंग कंट्री इज कम्प्लीटली। देखे मुझे ये बताएं, ट्रेंट बोल्ट है या वैगनार है, ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा इनकी परफॉर्मेंसेस क्या होती हैं जब ये अपने होम ग्राउंड से निकलते हैं बाहर? अच्छा आपने विकेटें किसको दी? जैमिनसन को दे दी आपने, कभी किसको दे दी, कभी किसको दे दी आपने? बड़े बॉलर्स को तो विकेटें दी ही नहीं जो ऑस्ट्रेलिया में जिन्होंने तंग किया था जाके। ऐसा ही ऐसा ही है, वो मैं देख रहा था सुजुकी वैगनार से याद आया, उसकी कीमत जी पाकिस्तान में अभी जो है वो 16-17 लाख हो गई है और इंडिया में 5.5 लाख है। एक तो ये 12 लाख ही हो गया ना आपका, 11 लाख हो गया ना, फिर भी 5-6 लाख का फर्क है। अच्छा यार ये एलिगेशन से हम बात कर, राइट्स ले लेते हैं। हाँ हमें प्रोडक्शन के 3 डब्बा वही बेची जा रहे हैं इतने सालों से। अच्छा मोहसिन भाई यहाँ पे एलिगेशन जो लगते हैं वहाँ पे प्लेयर नहीं लगाते एलिगेशन एक दूसरे पे, प्लेयर्स के पापा लगाते हैं। युवराज सिंह जो युवराज सिंह के फादर है वो बड़े इन रहते हैं खबरों में, खास तौर पे धोनी को लेके। पिछले भी मैं कल परसों उनकी खबर देख रहा था, लताड़ रहे थे धोनी को और कोहली को भी कि ये बैक स्टेपर है, दोनों ने मेरे बेटे को वो किया। युवराज इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स द इंडियन क्रिकेट हैज एवर विटनेस्ड, द वर्ल्ड क्रिकेट हैज एवर विटनेस्ड, आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स। लेकिन ये कहना कि धोनी ने या कोहली ने इसका करियर खराब किया, ये ज्यादती होगी। देखिए हर कप्तान का ना, हर इंसान का कोई ना कोई फेवरेट होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा फेवरेट कोई नहीं है और तेरा फेवरेट कोई नहीं है, सब फेवरेटिज्म नेपोटिज्म को प्रमोट करते हैं। देखिए रायना ने भी, अगर रायना या अश्विन या जडेजा को उसने किया सपोर्ट तो उसने कोहली और शर्मा को भी सपोर्ट किया था धोनी ने। फिर कोहली ने आके धोनी को, शर्मा को और पांड्या को और बाकियों को सपोर्ट किया। देखें अगर आप इंडियन क्रिकेट को गौर से देखें ना, इंडियन क्रिकेट को एज क्यों है बाकी क्रिकेट पे, वो यही है कि जो ग्रेट आता है ना, गौतम गंभीर आता है तो वो एक ढूंढ के लाता है, सहवाग आता है तो वो एक ढूंढ के, गंगुली आता है तो वो कई प्लेयर ढूंढता है, माही आता है तो वो ढूंढता है,
कोहली देखे, कोहली अगर अपने कप्तानी को थोड़ा सा ना थोड़ा सा अपने अंदर लचक लाए और कोच अच्छा अपने साथ रखे जैसे कुंबले था, तो इंडिया टीम में आज भी कहता हूँ अनबीटेबल है। मैं तो आज कोच अपनी मर्जी के रखा हुआ ना उसने कुंबले को हटा के शास्त्री, मैंने कहा कि कोच अपनी मर्जी का ना रखे ना, अच्छा, ना रखे मतलब कोच रखे जो बताए। देखे ना ये सारा वजन इस वक्त कोहली पे है जिससे उसकी परफॉर्मेंस भी हिट हो रही है, टीम परफॉर्मेंस भी हिट हो रही है और वो रैंकिंग में नीचे गए हैं, यही तो वजह है। अच्छा आपके दोस्त शुएब अख्तर साहब वो आजकल खैर अक्सर ही खबरों में रहते हैं, आर्ट आता है उनको खबरों में रहने का, तो आजकल पिछले दिनों कह रहे थे वो इमरान नजीर सहवाग से बेहतर होता अगर पीसीबी जरा उसकी वो करते, निगहदाश्त अच्छी करते सब कुछ, तो मुझे लगता है सिर्फ फील्डिंग में अच्छे थे इमरान नजीर सहवाग से, बाकी तो बैटिंग में तो देखे बंदे ने प्रूव किया हुआ। 400% मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, दोनों के पास फुटवर्क नहीं था लेकिन सहवाग की जो टाइमिंग थी और जो उसका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन था, मेरा नहीं ख्याल है कि वो किसी और का था, सही है, तो ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक अच्छी बात जो शुएब ने किया है ना कि अगर बीसीसीआई उन्हें ऑफर करता है तो वो एक्सेप्ट करेंगे, यही मैं कहता हूँ होना चाहिए, हमें एक दूसरे के तजर्बात से रिजवान साहब सीखना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए, और ये टाइम है। देखें मैं कपिल देव साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो ये ना समझें कि बीसीसीआई के पास पैसे, अल्लाह ना करे अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाता है कितना अरसा ये पैसा रहेगा। देखें हमें हमें ये तो अमीर बोर्ड है जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह ऑस्ट्रेलिया ने लेकर गिट्टों पे आ गए हैं, और इधर आपका पीसीबी क्या कर रहा है, इन्होंने कहा पूरे पैसे देंगे, अपनी तनख्वाहें पूरी हैं, पूरी पूरी ये तनख्वाहें, अपनी तनख्वाह नहीं, गरीब है, छुरी चलानी है तो गरीब के गर्दन पे चलानी है जो छोटा स्टाफ है। अच्छा जी दो तीन बातें हो रहे हैं, एक तो बेन स्टोक्स ने कहा खाली ग्राउंड में अगर मैचेस होते हैं तो कोई मसला नहीं है, हमें हम खेल लेंगे, हमें बीइंग प्लेयर इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि हम अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं, वो बात ठीक है फर्क तो पड़ता है हल्का फुल्का, लेकिन वो कह रहे हैं ना होने से तो बेहतर है कि हो। यस दैट्स द पॉइंट, मैं भी यही कहता हूँ ना होने से, देखिए क्रिकेट में आप सोशल डिस्टेंसिंग आराम से कर सकते हैं, प्लेयर पे प्लेयर थोड़ी चढ़ा होता है, स्लिप में भी कम से कम 2-3 गज का, कम से कम 1 गज का तो फासला होता है भाई, तो फिर आप क्या ढूंढ रहे हैं भाई। देखिए स्क्वाश हो सकती है, टेनिस हो सकती है, क्रिकेट हो सकती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बाकी स्पोर्ट्स को भी शुरू कर सकते, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, कोई मुजायका नहीं होना है, चाहिए ये, और होगा ऐसे ही। देखें ये लाइफ जो है नॉर्मलसी की तरफ जो आएगी ना, इट विल टेक टाइम, ये नहीं होगा कि अल्लाह करे कल वायरस खत्म हो जाए तो परसों हम दोबारा लंगोट कस के मैदानों में आएंगे, नो दो ही हुआ ना ईरान के साथ जो आप बात कर रहे हो, थोड़े केसेस कम हुए हैं, वो लॉकडाउन खोल दिया टाइम, वो एकदम फिर 2000 पे पहुंच गया, टाइम लगेगा टाइम। अच्छा यार मैं उस पर बड़ा एक्साइटेड था, वो जो 100 बॉल क्रिकेट इंग्लैंड वाले जो स्टार्ट कर रहे थे वो पोस्टपोन कर दिया, अगले साल होगा ठीक, वो वैसे अच्छा, यू थिंक दैट वुड बी द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट। देखे दैट इज नॉट द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट, दैट इज द फ्यूचर ऑफ क्या पैसा, yes। तो जब T20 आया था तब भी ऐसे बोलते तो कमर्शियल लीग है T20, लेकिन जरूरी है। देखे रिजवान प्लेयर को जब, देखे यही तो मैं कहता हूँ, जब आप हलाल तरीके से कमर्शियल्स में आके खेलने से आप कमा सकते हैं बिजनेस से, तो फिर अपने मुल्क को और अपने आप को अपने खानदान को बेचना क्यों जरूरी है, यही तो मैं कहता हूँ। देखे ना हम ही क्यों बार बार फिक्सर्स को पैदा कर रहे हैं, हम ही क्यों हमारे अड़ोस पड़ोस, देखे इंडिया तो अपने किसी प्लेयर को सिवाय एक दो के बाहर की लीग से नहीं खेलने देता, लेकिन वो अपनी, माल जो ठीक ठाक दे देते हैं, अपनी रांजी ट्रॉफीज और अपनी बाकी चीजों में वो स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, वो कहते हैं आप पैसे फोड़ो बोते हैं तो भाई तुसी भी देखो ना, तुसी भी क्रिकेटर्स ले आओ ना, तुसी भी पकड़ दकड़ लावन ना ना अपने उत्ते बिठाओ, कोई फर्क नहीं पैंदा। देखो तुहानू तुहाडा फ्यूचर इसी च ही है कि सारे मुल्क नेड़े आन, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान नू ब्लॉक बनाना चाहिए, जिवें इंग्लैंड आले ते ऑस्ट्रेलिया आले ते न्यूजीलैंड आले तुहानू डिक्टेट कर देने, इंडिया को वो क्यों मिलाते हैं इस वजह से, वरना वो इंडिया को कभी ना मिलाए। इंडिया 80% से ज्यादा कमर्शियल हब, पैसा सारा उन्हें देता है, वरना वो क्यों इंडिया को बिठाएंगे। अगर हम अपने रिसोर्सेज को जोड़ लें तो ये सारे आपके घुटने टेक देंगे आके। ये बात तो आपकी ठीक है, इंडिया जब पैसा हो तो फिर पावर और पैसा ले जी। हाँ मैं आपकी इजाजत से, बलजिंदर सिंह साहब है हमारे बिल्ला पाजी यूएसए से, ठीक है, हमारे चरणजीत सिंह साहब हैं इटली से, गुलप्रीत सिंह साहब हैं उनकी बड़ी प्यारी माशाल्लाह, बच बचा के रहना नहीं वो बच बचा के हैं माशाल्लाह, बड़े रेगुलर हैं,
अच्छा, वो अच्छा। गुलप्रीत पाजी हैं, उनकी बच्ची हैं माशाल्लाह गुलनूर, उन्होंने भी अपना एक बच्चों का चैनल निकाला है। तो बहुत ज़बरदस्त यार, 6-7 साल की बच्ची, लेकिन आप उसकी बातें और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी स्पोर्ट्स की देखें तो हैरान। इन्होंने दिलीप पाथेदार है, इन्होंने जी बड़ा मुझे कहा कि मोहसिन भाई, मोहसिन भाई, मोहसिन भाई कहाँ हैं आप? तो ले जी यहाँ हैं हम। हाँ देख लें, मोहसिन भाई यहाँ पे हैं जी। और सिद्धार्थ सिंह हैं जी, इनका मैसेज था, शामिल कर लेते हैं। अनित हैं, इसके अलावा हार्ट हैकर, नाम यार अपना अपना जाति नाम लिखा करो, मतलब ये तो आप पता नहीं कोई हार्ट नु हैक कर रहे हो की कर रहे हो, की कर रहे हो, दिला नु चुरा रहे हो, किथे कमेंट कर रहे हो, जो तुम चाहते हो तुम्हारा नाम ना आए सामने। कह रहे जी मोहसिन भाई को लेके आइए, तो बस देखिये मोहसिन भाई खड़े हुए हैं, बाजू में ये साथ ही खड़े हुए हैं। अच्छा जी, उमेश का था, प्रमोद सिंह का और शिवम जी का मैसेज है जी, पंजाबी बोल दे हो तुसी जी, पंजाबी बोल रहे हो, पंजाबी पंजाबी ते बोल दे हैं, साडी ज़बान ही पंजाबी है, पंजाब च रहने हैं ते पंजाबी बोलनी है, और की बोलना है। हाँ देखो, हाँ सुथरी पंजाबी बोलन दे, वैसे ये उर्दू भी बड़ी लाजवाब बोलते हैं। एनी हो जी, आप काफ़ी लोगों के मैसेज आए हुए थे, और बहरहाल बीच में काफ़ी थोड़ा सा डिले आ गया, कोशिश करेंगे कि रेगुलर हमारी वीडियोज आए। और कोई कोई लड़ाई झगड़ा भैया, मैं तुम्हारे पैसे दे रहे ना, लोग कह रहे हैं तुझे पैसे देने ने मौसम भाई दे। एक्चुअली मैं लेट मी एक्सप्लेन, सिर्फ ये हुआ था, देखे आई ऑलवेज इंजॉयड वर्किंग विद रिजवान, ऑलवेज छोटा भाई था, है और रहेगा। सिर्फ मैंने जो चैनल बनाया था ना, वो इसलिए बनाया था कि उसमें हम बाकी स्पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे, वो अनफॉर्चुनेटली उस पे हम बाकी स्पोर्ट्स को डिस्कस नहीं कर सके। मैंने आपको पुश किया था, यू शुड डू इट, हां के हम नहीं कर सके क्योंकि स्पोर्ट्स बाकी इतने हो नहीं रहे थे। उस तरह जो होता था, जैसे कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ और चीजें हुई, हमने डिस्कस किया, लेकिन देखिए आप लोगों ने हमेशा, देखिए मैं तो हमेशा पब्लिक ओपिनियन का एहतराम करने वाला आदमी, आप लोगों ने हमेशा प्यार दिया है, इसका मैं सारी जिंदगी मशकूर रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। देखिये मैं हक सच बोलता था, बोलता हूँ, बोलता रहूंगा। इस पे आपको अपना टेस्ट डिवेलप करना पड़ेगा, जब आपको आदत पड़ जाएगी सच सुनने की, चाहे वो किसी की फेवर में हो, अगेंस्ट हो, पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, फेवर में हो, अगर कोई बात इंडिया के नेगेटिव जा रही है, हम वो भी बोलेंगे, बताएंगे आपको। हमारा काम है आपको बताना, ताकि आप तनकीद बराए इस्लाह है, ऐसे ही क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ द क्रिटिसिज्म हम नहीं करते, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, आप कम बहुत हो गया, मोहसिन भाई ने रोजा रखा हुआ है, और ये ना कि वैसे तो बूढ़ा बूढ़ा कहते रहते हैं, ये बेहोश होकर ना गिर जाए यहाँ पे, ऐसा लगता नहीं है वैसे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे गप मारेंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको, काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी महीनों के बाद इकट्ठे शो किया है, तो उस पर कमेंट्स करिएगा, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे गपशप मारेंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।